हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो वाली मदद क्या खाली गाइस आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तारनामा सीरीज के एपिसोड 21 के पार्ट 1 को। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट एपिसोड 21। दुल्दुल की बारी कब आएगी? तुम और दुल्दुल अपने आपे में नहीं हो, क्या हुआ है मुख्तार? पता नहीं उमरा, आज हैवान खामखा बेताब हो रहा है। अब उमरा मुख्तार की राजदार नहीं रही? क्या मतलब? मुझे लगता है तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो मुख्तार। अगर मैंने भी ऐसा ही किया तो फिर गिला मत करना। तुम तो शक नहीं करती थी उमरा, ये कैसी बेतुकी सोच है? बेतुकी सोच है? जब तुम नहीं होते तो मैं दुलदुल की हालत देखकर मुख्तार की हालत का पता लगाती थी। जब कभी तुम्हारे साथ कोई हादसा रुनुमा हुआ है या तुम्हारे दिल में कोई परेशानी रही है, यह हैवान हर उस मौके पर बेकरार हुआ है। हैवान गोया दुलदुल की रूह के गिरा मुख्तार की रूह के साथ बांध दी गई है। कैसी बातें कर रही हो उमरा, ये जानवर आज किसी तकलीफ में है, है कि उसके पास जबान नहीं के बता सके। तुम तो जबान रखते हो ना, तुम ही मुझे कुछ बता दो। बस भी करो उमरा, ऐसा न करना कि मैं जाहिलियत के अरबों की तरह ये यकीन कर लूं कि औरतों से अक्ल की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो कितनी ही बुलंदी पर पहुंच जाए। तो बिला आखिर मुख्तार ने नकाब हटा कर ये दिखाई दिया कि वो जाहिल अरबों में से है। क्या ही अच्छा होगा कि हुर्रा को जिंदा दफना दो ताकि साबित कर सको कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। क्या पूरी जिंदगी जहाद करने के बाद तुम्हें यहाँ पहुँचना था मुख्तार? उमरा मेरे पाँव की जंजीर मत बनो। बहुत खूब, तो फिर तुम उम्रा से साथ देने की तवक्को मत रखना। धमकी दे रही हो मुझे? उम्रा और धमकी? जिस वक्त मेरा बाप कूफे का अमीर था और मेरी धमकी का असर हो सकता था उस वक्त तुम्हें धमकी ना दी। अब जबकि मैं एक आम सी औरत हूँ और मेरा बाप इख्तदार गंवा चुका है, अब मेरी धमकी क्यों कर किसी मुख्तार जैसे ताकतवर शख्स को डरा सकती है? तुम्हारी हालत शायद ठीक नहीं है। अच्छा शाबाश, अच्छा है समझ आ गया। यार वो परेशान है, परेशान के चक्कर में झगड़ा भी हो गया इन दोनों का। मर्दों का काम जरबी का है। झूठ, आपने हवास भी खो बैठा है। तुमने जरबी को नजर मारने भेजा था, याद नहीं? ये मुझे दे दो, तुम बौखला गई हो। तुम पहले वाले मुख्तार नहीं रहे। जब से लफका से आए हो मुसलसल परेशान और बेचैन हो। मेरा बेहाल दिल रजामंदी का इजहार नहीं करता था, आज जब के दिल पे पत्थर रख के पूछ लिया मैंने तो समझ में आया ओ क्या कयामत है। हमारे दरमियान इस कदर फासला था और मैं ना समझ सकी। मुझे अपनी हालत पे तरस आ रहा है मुख्तार, मैं इस तहकीर की मुस्तहिक नहीं थी। तुम
तुम गलत समझ रही हो पगली। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया और ना बाद में कभी छुपाऊंगा। इन चंद दिनों की घबराहट और परेशानी भी सिर्फ डर की वजह से थी। तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उमरा मुख्तार के डर के हवाले से कुछ सुने। किस चीज से डर रहे हो? मक्का की खबरों से। अगर मोहम्मद हनफिया ने मेरी तायद न की तो मेरे साथ ही मुझे तनहा छोड़ देंगे। तुम्हारी तायद क्यों नहीं करेंगे जबकि उन्होंने तुम्हें हुक्म लिख दिया है? मुझे उस वक्त हुक्म दिया था जब जंग ऐनुल वर्दा नहीं हुई थी। मुझे डर है कि मोहम्मद हनफिया ऐनुल वर्दा की कत्लगाह से गमजदा और दागदार होंगे और उन्हें यह पता चलेगा कि मैं सुलेमान के साथ नहीं था तो मेरे सर से अपनी हिमायत न उठा लें। बस यही? हाँ यही। उमरा की जान की कसम? जाने उमरा की कसम। मेरे ख्याल से हुर्रा के रोने की आवाज है। मैं जाऊं इससे पहले कि वो कुछ तोड़ दे। क्या हो गया हुर्रा को? नसीब हूं आपके दीदार से। या अल्लाह फरमाइए। हम आपको एक छोटी सी तकलीफ देने के लिए हाजिर हुए हैं। कौन सा हुक्म बंदा है खुदा? मुख्तारे सकफी को तो आप जानते ही होंगे हजरत। हाँ, मुख्तार हमारे शियों में से है, बाबा अली के चाहने वालों में से। कैसा है वो? आपकी दुआएं हैं। उनका दावा है कि वो आपकी तरफ से कूफे में कयाम के लिए मामूर किए गए हैं। अगर उनका ये दावा दुरुस्त हुआ तो इराक के शिया उनकी बैत कर लेंगे और कयाम कर लेंगे। चेक करने के लिए आए। क्या आपने उनको कोई हुक्म दिया है? Yes. क्या मुख्तार आपका अमीर और वजीर है? ये कैसे सवालात हैं? क्या सुलेमान इब्ने सुरदे खुजाई, खुदा उसे खरीके रहमत करे, जब उसने कयाम किया उस वक्त कोई हुक्म था उसके पास? मेरे मजलूम भाई के कातिलों से जंग एक वाजिब अमल है। Yes. ऐसा अमल जो मुझसे और मेरे भतीजे इमाम सज्जाद से साखित हो चुकी है। तो फिर अगर मेरा दिमाग ठीक समझ रहा है तो मुख्तार का हुक्म जाली है और वो झूठा है। उसके पास आपके मोहर और दस्तखत के साथ ये हुक्मनामा है जिसमें आपने उसे कयाम के मामलात में अपना अमीर और वजीर बनाया है। अगर आपने उसे कोई हुक्मनामा नहीं दिया है तो यकीनन उसने आपके मोहर और दस्तखत को खुद बनाया है। खुदाया तो गफूर रहीम है, तो छुपे हुए राजों को जानता है। तू वो घर जिसमें तेरी रजा हो। इलाही आमीन। मुख्तार ने मेरे नाम और मोहर के साथ आप लोगों को किस बात की दावत दी है? कयाम की, इंतकाम की दावत, आपके शहीद भाई के कातिलों से किसास के लिए, हुसैन के
उसकी मदद कीजिए ताकि खुदा आप लोगों की मदद करे। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। अज इराक ता मदीना, अज मदीना ता मक्का, मुझे मुख्तार के दावे पर शक व शुबा था, हमें अबू इसहाक के झूठ का खौफ था। अब जबकि आपकी राय ऐसी है तो इराक के तमाम शिया मुख्तार के शाना बशाना क्याम करेंगे और उन बंदरों को जो मिंबरे रसूलुल्लाह पर बैठे हुए हैं उन्हें नीचे घसीट देंगे और अहले बैत रसूल के खून नहक का बदला लेकर रहेंगे। आहिस्ता बात कीजिए मुसलमान, ये मक्का है, हम जुबैरियों के हिसार में हैं। खुदा इन जुल्म के बानियों को नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन। आखिर मोहम्मद हनफिया ने खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं फरमाया कि उन्होंने मुख्तार को हुक्म दिया है या नहीं? हाँ, ये नहीं बताया। तकिया, तकिया, आज आले अली पहले से ज्यादा मजलूम है। ये खानदान बुरी तरह से बंदरों के हिसार में असीर हो गया है। ये बंदरों और मिंबर रसूल अल्लाह की क्या ही कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा था कि एक दिन वो आएगा कि उनके मिंबर पर बंदर सवार हो जाएंगे। खुदा की कसम, उनके ख्वाब की ताबीर आज से मुताल्लिक है। खुदा ने चाहा तो ये हिसार बहुत जल्द अबू इसहाक के हाथों और हमारी मदद से टूट कर रहेगा। नियत कीजिए, नियत कीजिए तवाफ की भाइयों, और मुआफी मांगिए उस शक के बारे में जो हमें मुख्तार के हवाले से लाख था। मुख्तार झूठ से मुबर्रा है भाइयों। फिर अमीर कूफा बदला नहीं कि मुख्तार गढ़े में गिर गया। क्यों आए हो? अमीर कूफा की तरफ से तुम्हारे लिए एक पैगाम लाया हूं। फिर से कैदी बनाएंगे क्या? सुन रहा हूं। तुम्हारे बारे में खबरें इस तरह अमीर को दी है कि उन्हें लगता है कि तुमने लश्कर शाम अपने घर में जमा कर लिया है। मेरा लश्कर दिखने वाला नहीं है जायदा, मैंने अपने फौजियों को सिखाया है कि बवक्त जरूरत नजर आया करें। तुम्हारे अमीर का पैगाम क्या है? हाँ, पैगाम सबके नीचे काम करते हैं। आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अमीर फरमाते हैं कि क्या दोस्ती का हक अदा करना नहीं चाहते कि हमसे मिलने आ जाओ। अगरचे हमारी दोस्ती का रिश्ता मक्के में खत्म हो गया था, मगर बिन मुती कूफा में मेहमान हैं और हम मेजबान। दोस्ती का तकाजा यह है कि मैं आऊं। बड़ो तो मिंबर पे दोस्त कैसे? हुलू, कहां हो हुलू? मेरे घोड़े को तैयार करो। وَإِذْ يَمْكُرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ अंदर नहीं, अभी जाएंगे। प्लान है कुछ नहीं, बस कुछ कुछ मुझे झटके आने लगते हैं, मुझे
मुझे बोलो बोलो जी, क्या हुआ मेरे आका? सैयदी मेरे बाबा, मेरे बाबा ना, मुझे मुझे ये अच्छा फायदा। तुम बेफिक्र रहो, मेरी हालत कुछ बेहतर हो जाए तो तुम्हारे अमीर के दीदार को आऊंगा। अच्छा, आयत पढ़ के उसे अच्छा समझाया। क्या मतलब? अगर तुम आयत नहीं पढ़ते तो वो जरूर आता। तुम अंधे थे जो उसका कपड़ा नहीं देखा? देखा नहीं कि ऐसी हालत में था वो? क्यों नहीं, मुख्तार का तो सिर्फ जनाजा नजर आ रहा था। डरो मत ज़ायदा, मैं भी मुख्तार की तरफ मायल हूँ। मुतमईन रहो, मैं अमीर से कुछ नहीं कहूँगा। तुम तरफदार मुख्तार हो? जीत मुख्तार की ही है ज़ायदा। कैसे? अब तक जितने भी हाकिम कूफे में आए हैं, मुख्तार उन सबसे ज्यादा होशियार है। सब ने उससे दुश्मनी रवा रखी और सब उसे मारना चाहते थे, मगर कोई कामयाब ना हुआ। मुझे यकीन है कि मुख्तार अनकरीब कूफे पर हुक्मरानी करेगा। इस तरह तो वाकई, जब मुख्तार के पास तुम लोगों की तरह ना दिखने वाला लश्कर हो तो यकीनन जीत उसी की है। क्या बात, तुम भी उस ना दिखने वाले लश्कर की फौजी हो ज़ायदा। हाँ, ये तो पहले से ही भैया। अचानक मैंने देखा उसे राशा हो गया, उसका रंग हल्दी की तरह पीला हो गया। माकल, वो जिंदान में भी अक्सर इस हालत से दो चार हो जाता। नहीं, माकल नहीं है, मैं माकल बोल रहा हूँ। जाहिर कोई भयानक सी बीमारी हो गई है उसे, अब वो कुछ करने के लायक भी नहीं रहा। मुख्तार का काम तमाम हो गया है अमीर। बिन मुती है, बिन मुती, माकल नहीं है। मुख्तार को कोई बीमारी नहीं है जायदा, जो कपकपी गैब से उस पर आरिज हो गई थी वो एक चाल थी। वो तुम्हें धोखा देना चाहता था, चुत ही चुका। जब उसका ये दावा है कि उसके ना दिखने वाले फौजी हैं, तो भला उसे हीले की क्या जरूरत है अमीर? शक नहीं कि मुख्तार एक दलेर आदमी है, मगर उसकी बीमारी हीला नहीं था। क्या हीले से ऐसा काम किया जा सकता है कि चेहरे का रंग उड़ जाए? राशा तो शायद हीला है, ये बात मानने की है, मगर रंग उड़ जाने का क्या करें? कि नौकर कपड़े भी नहीं पहनते। बहुत खूब, जब ज़ायदा कह रहा है कि मुख्तार बीमार था तो वो यकीनन बीमार था। ये बहुत चालाक है। छा सकते हैं आप लोग। ये बहुत चालाक है, कुछ तो करेगा ये। बज़ाहिर हमारी मुख्तार से दोस्ती की तलवार कुंद हो गई है, काटती ही नहीं। आप मुख्तार का क्या करना चाहते हैं अमीर? मुख्तार मुज़ाकरात का अहल है अयाज, अगर ये बिन यजीद मालून उसे नहीं छेड़ता तो उससे एक अच्छा मामला तय किया जा सकता था। मुख्तार का जाओ हश्म बहुत बढ़ गया है अमीर, वो कूफे में अपने आप को शियों का पेशवा समझता है। उसका वाहिद रकीब सुलेमान था जो कि मारा गया। जहाँ तक मुझे खबर मिली है, तमाम शिया कबीले उसके साथ मुत्तहिद हैं और उसी ताकत में इजाफा हो गया है। काश उसके लिए कोई रकीब तैयार किया जा सकता। तुम्हें यकीन है कि तमाम शिया कबाइल मुख्तार के साथ मुत्तहिद हो गए हैं? जी अमीर, सिवाय एक आध कबीलों के सब मुख्तार की हिमायत करते हैं। वो एक आध कौन से कबाइल है? एक कबीला नकई है और दूसरा कबीला है अब्दुलरहमान शबानी। अब्दुलरहमान कबीले नखई का सरदार कौन है? इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर। नकी, ये नकवी फैमिली है क्या? नकी नकवी शायद, मेरे ख्याल से मैं सही सोच रहा हूँ। नकवी और नकी, नकी शायद नक्की की फैमिली की नकवी लोग हैं आजकल, जो शिया वगैरह नकवी वाले हैं। नकवी मालिक अस्तर का नाम कॉल आउट हुआ है पहली दफा इस पूरे सीरीज के अंदर में, हजरत मालिक अस्तर। लेट्स सी, देखते हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं यही नाम इब्राहिम, आई गेस बेटे बेटे हैं। ये
سامنے آ گئی ہے؟ کیا آپ نہر کے محافظ ہیں؟ یہ میں ہوں عباس، ابراہیم۔ کون سا ابراہیم؟ ابراہیم مالک اشتر کا بیٹا۔ تعجب ہے، تم بیٹھے کیوں ہو؟ اٹھو ابراہیم، میرے مولا حسین تمہارے منتظر ہیں۔ مجھ سے نہیں ہوتا عباس، میں زمین میں دھسا ہوا ہوں، گرفتار ہو کر رہ گیا۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ تم مالک اشتر کے بیٹے ہوتے ہوئے کربلا کے قافلے کو نہ پہنچو۔ اٹھو ابراہیم، اپنا ہاتھ مجھے دو، اٹھو۔ یہ بھی لائک اسی غم میں ہے کہ میں نہیں جا سکا کربلا، اس لیے اس طرح کا لائک پورا دیکھ رہے ہیں۔ جتنے بھی عاشق علی ہے وہ سب بہت کوس رہے اپنے آپ کو کہ ہم کیوں نہیں کربلا کے جنگ میں شامل ہو چکے، کیوں نہیں عشق کے ایک کیا کہتے ہیں، عشق کے ایک جنگ میں، عشق کے سفر میں کیوں نہیں ہم شامل ہو سکے، جو کہ کربلا تھا۔ اس میں سے حضرت سلیمان بھی تھے، حضرت مختار بھی تھے، یہ بھی ہے، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، محمد حنفیہ وہ بھی تھے، وہ بھی شامل نہیں اس کی، دیٹس وائی بہت تکلیف میں۔ ابراہیم، ہم نقی قبیلے کے جوان ہیں، کوئی دشمن نہیں۔ نقی؟ تم ہمارے سردار ہو، ہم آپ سے حکم لینے آئے ہیں۔ اپنے بوڑھوں سے پوچھو، انہیں پتہ ہے کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ ہم کھیتی باڑی کریں اور بھیڑے چرائیں۔ یہ تو بہت اچھا ہے، ویسے بھی زمین اور ریوڑ میں برکت ہوتی ہے۔ کوفے کے تمام شیعہ میدان میں اتر آئے، کیا یہ روا ہے کہ قبیلہ نخعی کے نامی گرامی جوان کھیتی باڑی اور ریوڑ میں مصروف رہیں؟ تم لوگوں کے پیٹ بھر چکے، جب ہی جوش مار رہے ہوں، میرا کسی سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اپنے امام مظلوم حسین کے قاتلوں سے بھی نہیں؟ بات سنو ناصفی، میں نے اس سے پہلے بھی تم لوگوں کے بزرگوں سے اتمام حجت کی ہے۔ میرے امام شہید حسین کے وارث حضرت سجاد ہیں، جب تک انہوں نے جہاد کا حکم نہیں دیا، نخعی قبیلے کی تلوار میان میں رہے گی۔ اگر مجھ سے متعلق کوئی ہنگامہ آرائی کرنا چاہے گا تو میں اس سے رشتہ ناطہ توڑ دوں گا۔ جاؤ اور اس سے زیادہ میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو۔ ابراہیم مالک اشتر کا بیٹا، حضرت ابراہیم بن مالک اشتر۔ میں تمہارے زخموں پر مرہم کا کام دے سکتی۔ تم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو ابراہیم؟ میرے پاؤں زمین پہ کٹ چکے، میں سرکردہ ہو گیا، اپنے آپ کو اس بوڑھے کی طرح سمجھ رہا ہوں جس کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں۔ میں کیوں کچھ نہیں کر سکتا؟ مالک اشتر کے بیٹے کی تلوار کو زنگ لگ گیا ہے۔ مالک اشتر علی کا مرید اور عاشق اس شہر میں کیسے جی سکتا ہے جس میں اس کے مولا کے سر پہ زرف لگائی ہو اور ان کے بیٹے کا سر نیزے پر چڑھا کے اس کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا ہو؟ ہاں، کتنی زہریلی فضا ہے کوفے کی۔ بخار سے تپ رہے ہو، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ راہیلہ، اسے بخار ہے۔ اٹھو، مجھے تمہارے پیر دھلانے ہوں گے، اٹھو۔
पैर धुलाने से मेरा बदन तो ठंडा हो जाएगा, मगर मेरी जान की आग का क्या करोगी? तुम्हारी जान की आग को भी मार कर दूंगी। मैं हाथ पर हाथ रखकर ये नहीं देख सकती कि मेरा शौहर किसी शम्मा की तरह पिघलकर पानी हो जाए। अली के खुदा की कसम, अगर तुम नहीं माने तो मैं खुद बारे सफर बांध लूंगी ताकि मदीना जाकर मौला सजाद से हुक्म ले सकूं। हौसला रखो, अनकरीब जख्मों की दवा मिलने वाली है। ज़ायदा इब्ने कुद्दामा है, कूफे के नए हाकिम की तरफ से कोई पैगाम लाया है। ओ ज़ायदा, मेहमान हबीबे खुदा होता है, आने दो। अतिथि देवो भव। अमीरे कूफा आपको कूफे में शियों का पेशवा समझते हैं, वो चाहते हैं कि मामलात को चलाने में आपसे मशवरा करें। वो शियों के मुतालबे को बरहक समझते हैं और वो ये चाहते हैं कि आपकी मदद से कातलाने हुसैन का बदला लें। वो चाहते हैं कि आप उनसे मिलने आए ताकि इस अहम काम में उनकी मदद करें। तुम मुख्तार के चचाजात भाई हो? जी हाँ। मैंने सुना है तमाम शिया कबाइल के सरदारों ने मरहूम सुलेमान के बाद मुख्तार की तरफ रुजू किया है। तुम उसके चचाजात भाई हो, अपने अमीर के हुजूर उसकी पेशवाई का दिफा क्यों नहीं करते? सियासत ने मुझे ये सिखाया है कि अपनी दस्तार का दिफा करूं जनाबे वाला। तो लेडीज गए यहाँ पे आगे, ये तो मैं एक शर्त पे आप लोगों के कयाम में साथ देने के लिए तैयार हूं। कैसी शर्त इब्राहिम? कयाम की सरदारी मेरे हाथ में दे दीजिए। तुम्हारी महारत, शख्सियत और शुजात हमसे पोशीदा नहीं है। तुम मालिक अश्तर के बेटे हो जो मौला अली का बाजू था, मगर शिया कबाइल के सरदारों ने मुख्तार के हाथों बेयत कर ली है और कियाम की सरदारी उससे सौंप दी गई है। मुख्तार हजरत मोहम्मद हनफिया का वजीर और अमानतदार है, उन्होंने उसे कयाम पर मामूर फरमाया है और हुक्म दिया है कि सब मुख्तार की बेयत करें। मेरी मौला इमाम सज्जाद और मोहम्मद हनफिया से खतो किताबत चलती रहती है, उन्होंने मुख्तार के बारे में मुझे कुछ नहीं लिखा। मुख्तार, मुख्तार! अरे जरूरी क्या हो गया? मुख्तार! अरे जरूरी, तुम बूढ़े हो चुके हो, हार गए भाई। मुख्तार, मेरे भाई मुख्तार! कुछ हो गया क्या जरूरी? आ गए वो लोग सरकार। कौन लोग आ गए? आ गए, इनका आपको इंतजार था। मैं कियान के सिवा किसी का मुंतजर नहीं था। कियान भी उन लोगों के साथ है। तुम ये आधी अधूरी बात क्यों कर रहे हो सर भी? सही सही बताओ क्या हुआ है? थोड़ी सांस ले लूं सरकार, भाग के हलाक हो गया हूँ मैं। घोड़ी की जगह इस्तबल है। मुझे माफ कर दो, बेखबर गया था और बेखबर लौटा हूं। अच्छा, ये सफर मारफत का सफर था अबू इसहाक। मैंने तवाफ काबा के दौरान खुदा से दुआ मांगी कि मुझे हिम्मत दे
کہ مختار کا سامنا کر سکوں۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ تمہارا ہاتھ چوموں گا۔ ارے ارے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں مجھے؟ کیا کر رہے ہو حاجی صاحب؟ ہم نے تمہارے بارے میں بدگمانی سے کام لیا تھا۔ عبد الرحمان ہے نا، سیدو سردارو سرکار نے ہماری ہدایت فرمائی، نہ مختار جھوٹا تھا اور نہ وہ حکم جالی۔ اسٹیمپ وغیرہ ایسا کچھ سین نہیں ہوا تھا، لیکن ہاں انہوں نے ایک پرمیشن دی تھی۔ سید حیدر کرار کے فرزند ارجمند ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ وہ ہاتھ جس نے اس حکم پر دستخط کیے اور وہ ہاتھ جس نے اس کی تائید کی وہ مولا علی کے ہاتھ و زبان تھے تو یقین کرو گے؟ اگر مختار یہ کہے کہ نماز ظہر اندھیری رات میں ہوگی تو میں یقین کر لوں گا۔ That's it یار، پھر سے ختم ہو گیا ایپیسوڈ 21 کا پارٹ 1 یہاں پہ سماپت ہوتا ہوا۔ That's it۔ اس ایپیسوڈ کے اندر اپنے کو ایک نیو نام سننے کو ملا ہے، نیو نام کال آؤٹ ہوا ہے پہلی دفعہ اس پوری سیریز کے اندر میں، اینڈ بہت لوگ لائک کامنٹ بھی کر رہے تھے اس نام کو لے کے کہ بہت جلدی حضرت مالک اشتر کی بیٹے کا نام آپ کو سننے کو ملے گا، بہت جلدی ان کی انٹری ہو جائے گی، اس کے بعد سے ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا، بہت لوگ کامنٹ کر رہے۔ تو فائنلی اس ایپیسوڈ کے اندر میں لائک حضرت مالک اشتر کے بیٹے حضرت ابراہیم کی انٹری ہو گئی، ان کا نام لے لیا گیا ہے، اینڈ ڈائریکٹلی لائک وہ بھی بہت تکلیف میں ہے، جس طرح سے لائک جتنے بھی لائک مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کی انٹری اس پوری سیریز کے اندر میں ہوئی ہے، وہ اسی طرح سے ہوئی ہے کہ وہ بہت تکلیف میں ہے، بہت غم میں ہے، بیکاز وہ عشق کے سفر سے، جو عشق کا سفر ہے اس سے وہ دور رہ گئے۔ سیم یہ بھی حضرت ابراہیم بھی دور رہ گئے، وہ کربلا میں شامل نہیں ہو سکے، جس طرح سے اس میں لائک پورا ایک بنایا گیا ہے، جس طرح سے لائک پورا سوچا گیا ہے اس میں، حضرت ابراہیم جو ایک نہر کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ حضرت عباس علیہ السلام آتے ہیں، لائک وہ اس طرح سے ہاتھ آگے کرتے ہیں کہ آپ بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، بٹ ایکچولی وہ صرف وہاں پہ سوچ رہے ہوتے ہیں اینڈ کوس رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کہ میں کیوں پیچھے رہ گیا۔ ایک طرح سے بہت لوگ پیچھے رہ گئے، حضرت مختار، حضرت ابراہیم، حضرت محمد حنفیہ، بہت لوگ پیچھے رہ گئے، اس طرح وہ اپنے آپ کو کوستے رہتے، بہت بار اپنے دیکھا ہے نا۔ تو یا یہی تھا لائک پورے اس پارٹ کے اندر میں، وہاں پہ پھر حضرت مختار کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں ان کے گھر پر کہ بھیا آپ جو ہو ہمارے ساتھ آ جاؤ، ایک طرح سے ہم جو ہے مل کر قاتلانہ حسین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو جو حضرت ابراہیم ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے فوج کا سردار بناؤ، مجھے جو ہے فوج کا سردار بننا ہے۔ تو وہ کہتے کہ یہ جو حکم ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ محمد حنفیہ، حضرت محمد حنفیہ ان کا ہے، انہوں نے لائک خود ان کو کہا ہے، اسٹیمپ کے ساتھ میں کہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میری تو ہمیشہ سے بات ہوتی رہتی ہے حضرت محمد حنفیہ کے ساتھ میں، ساتھ ساتھ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ میں بات چیت ہوتی رہتی ہے میری، بٹ ان سب باتوں کے دوران انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ اس طرح کا لائک ہم نے کوئی لائک پلان بنایا ہے کہ حضرت مختار کو ہم سردار بلائیں گے، اس طرح کی باتیں کبھی بھی میرے ساتھ نے نہیں کرائے حضرت محمد حنفیہ نے۔ یہی دیکھا اپن نے بس اتنا، ابھی اگلے پارٹ میں اس کے آگے کا دکھایا جائے گا۔ اب سردار کون بنتا ہے مجھے بالکل نہیں پتا بھیا، اپن دیکھیں گے اگلے پارٹ میں۔ تو یہی سب تھا اس پورے پارٹ کے اندر میں ایک طرح سے، لائک یا دیکھیں گے اپن جلدی، سیکنڈ پارٹ بھی جلدی دیکھیں گے۔ تو یا دیٹس اٹ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بی سے بی ہیپی، پیس آؤٹ، یو علی مدد، لبیک یا حسین۔